सो हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन आपके अपने चैनल ऑल न्यू कबूतर टिप्स एंड ट्रिक में आपको स्वागत करता हूँ। सो गाइस, तो आज की वीडियो बनने वाली है भाई, देखो मैं बना रहा हूँ, किसी कमेंट्स के ऊपर तो नहीं है, तो काफी भाई जो मेरे नए कबूतर बाज है भाई डाउट रहता है। अब मुझे काफी भाई मुझे लग रहा है इस वीडियो में, हर वीडियो में बोलता जरूर हूँ कि कुछ ना कुछ कमेंट कर ही देते हैं कुछ हमारे भाई हैं, तो कहेंगे भाई मुझे मत सिखा ये मत कर। तो भाई आप लोगों को मुझे पता है कि आप लोगों को पता है, बट जो मेरे नए कबूतर बाज भाई है उनको नहीं पता होता भाई। वो पता क्या करते हैं, पूरी ऐसे पर लेते हैं और पूरा टेप लपेट देते हैं। तो भाई उससे पता है कबूतर क्या होता है, यहाँ से भाई बहुत दर्द होता है इनके बाजुओं में, ये चीज़ होना है यहाँ से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो भाई अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस चीज़ से पर बांधे और कैसे बांधे, ठीक है। तो क्योंकि भाई काफ़ी भाइयों को यार पता नहीं होता, मुझे पता है काफ़ी भाइयों को पता भी होता है, ठीक है। तो सही नॉलेज भाई जानकारी होना जरूरी है। अब जो मेरे नए कबूतरबाज है उनके लिए मैं स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ। पुराने कबूतरबाज जो मेरे भाई लोग हैं वो जो मुझे जानते हैं उनको तो पता ही होगा, मुझे लग रहा है, लग क्या रहा भाई पता ही है मुझे तो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो भाई ऐसे कुछ पर है इसके, इस कबूतर को हमने पकड़ा था 3-4 दिन पहले, तो भी आपको मैं दिखा दूंगा पास कैमरा करके अभी लाऊंगा, ठीक है। पहले अपना पूरा इंट्रो दे दूं मैं आपको, ठीक है। तो इसके पर हम ऐसे करके लपेट देते कुछ बंदे, ठीक है। तो भाई बाकी अब हम इसको पर सिखाते हैं बांधना। इसमें हमने टेप ही बांध रखा है क्योंकि इसमें देख सकते हैं टेप ऐसी ही बांधी जाती है, बट इसको पता है भाई। अब मैं टेप का एक आपको घाटा बताऊंगा कि आप इसमें होता क्या है टेप से पर बांधने से। तो और मैं बांधने वाला हूं इस बार सुई धागे से पर बांधने वाला भाई मैं, ठीक है। तो जब तक के लिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, आप लोग हल्का सा आगे आ जाओ, हल्का सा मैं कैमरा आगे कर देता हूँ, तो आप लोग पूरी वीडियो देखना, ठीक है। तो जब तक के लिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो भाई जैसा कि हाँ देख सकते हैं ये, अब मैं आपको टेप का एक नुकसान दिखाता हूँ। मैंने अभी एक तो देख लिया, चलो आपको मैं पहले यही दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई देखो जानकारी मैं पूरी दूंगा भाई, चाहे कुछ भी दिक्कत हो। तो ये मैंने बांध रखे थे टेप से पर, अभी तो इसमें सुई धागा लग रहा है, इसमें मैंने बांध ही रहा था। मैंने सोचा अपने भाइयों के लिए वीडियो बना दूँ, और काफ़ी भाई बोलते हैं, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, मेरे व्हाट्सएप पे बंदे भेजते हैं भाई मेरे कबूतर देखना कैसे है नस्ल कैसे नहीं। भाई बंदे पूरा ऐसे पर लेते हैं यूं, और ये पूरा भाई टेप लपेट के चले जाते हैं, तो भाई बहुत दर्द होता है इनको यहाँ से, भाई बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और मैंने अभी टेप से पर बांधना था, टेप से पर बांधना सही होता है, मैंने जस्ट अभी अभी छोटा है, मैं आपको टेप भी दिखा देता हूँ। टेप से भाई देखो घाटा क्या हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी 2-3 कलियाँ उखड़ गई, कलियों की देखो ऐसी तैसी हो गई पूरी, और टेप ये रहा जस्ट अभी छुटाया मैंने। तो मैंने सोचा इसके धागे से पर बांधता हूँ, काफ़ी दिक्कत हो रही होगी उसको, उसके पर देख सकते हैं भाई कैसे खिंच से गए हैं, ऐसे दब दब से गए हैं, तो इससे पर हो जाते हैं ख़राब। तो अब मैं इसको भी छुटा के दिखाता हूँ, देखना इसमें भाई यही होगी, चाहे मैं कितने ही प्यार से छुटा लूँ। ये तो भाई जब पकड़ा था तो जल्दी जल्दी बांध दिया गया है, मैंने तो पकड़ा नहीं, मेरे भाई ने पकड़ा था। अब इसको कितने ही प्यार से छुटाओगे ना भाई, ये पर देख सकते हो कैसे ये उलझा पड़ा एक दूसरे में, ये देख सकते हो भाई। और इसके जो ये देख सकते हो इसमें ये पर आ गए हैं, इसके नुचके इसमें ये पर आ गए हैं, तो इसमें यार बहुत दिक्कत होती है कबूतर, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई टेप से पर ना बांधा करें भाई। और ये तो हमने जल्दी जल्दी बांध लिया, इसलिए तो मैं इसको दोबारा खोल के बांध रहा हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं इसके ये पर खिंच गया है, तो भाई ख़राब हो जाते हैं पर इससे। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ सुई धागे से बांध के। तो आपको करना क्या है भाई, ये जो पहली कली होती है ये वाली पहली कली, इसमें लेना है आपको सुई धागा, ऐसे ऐसे करके छेद कर देना है, फिर एक गिट्ठा मार देनी है, एक गांठ मार देनी है, फिर लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8-9 पर लो, ठीक है। अब बाकी इसको आगे पीछे ऐसे आगे पीछे करके ऐसा कर देना, जिससे कि सही रहता है, सिलना नहीं हो भाई, मैं इसको बस आगे पीछे कर रहा हूँ, जिससे कि पर ना इकट्ठे एक जगह बाहर ना आ जाए। और इसको लेना है फिर लास्ट वाले पर में भाई, जो हमारा लास्ट वाला पर है ना, ये लास्ट वाला पर 9वां, इसमें भी एक छेद करना है ऐसे, दिखाइए साफ पास लगे, दिखा फोकस कर दे। फिर भाई जो इसमें भी एक लास्ट वाला पर है ना, इसमें भी ऐसे सुई से छेद करना है, इनको कोई दर्द वर्द नहीं होता भाई, ये देख सकते हैं बड़ी आसानी से छेद हो गया। और इसको ऐसे करके खींच लेना है, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे गिट्ठा मार के थोड़ा सा धागा आपको छोड़ना भी है, बबाकी ऐसे करके फिर 3-4 गांठ मार दो, ये बन जाएगा हमारा पर, ठीक है भाई। और ये हमारा बन जाएगा पर, बाकी पूरा बंद थोड़ा टाइट कर दूँ, बस 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 हो गया बाबू, हो गया, ये देख सकते हैं। तो भाई इससे पता है पर बांधने से क्या होगा, इसके कबूतर के पर बिल्कुल ख़राब नहीं होते बिल्कुल भी। और 3-4 गिट्ठा मार के इसको देना है तोड़, ठीक है। और ये देख सकते हैं भाई, ये गए हमारे पर बंद, पता भी नहीं चल रहा होगा कि पर बंद है, और बहुत आराम से बंद गया, इससे कबूतर कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे पर भी ख़राब नहीं होगा। तो भाई दूसरा पर भी मैं ऐसे ही बांध दूँ, ठीक है। तो भाई अब हो जाएगी वीडियो तेज, तो अब देखते हैं पर कैसे बनता है कैसे नहीं, ठीक है भाई।
तो भाइयों ये बंध गए हमारे कबूतर के पर, जैसे कि देख सकते हैं, और ऐसे करके छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कबूतरी को काफ़ी देर मैंने हाथ में ले लिया है, तो यार थोड़ी दिक्कत होगी, बेचारी काफ़ी बुरा मान गई होगी। तो भाई ये पर बांध दिया भाई, इससे बहुत आसान तरीका है यार पर बांधने में, सही बता रहा हूँ, इससे कबूतर भी अपना पूरा खुश रहेगा। और मैंने आपको दिखाया भी कि टेप से पर बांधने से क्या क्या हो जाता है, जैसे कि देख सकते हैं भाई ये परवर टूट गया है इसके खींचने पे, और ये टेप है, और मेरा ट्राईपॉड बेचारा लावारिस पड़ा है, टूट गया है भाई वो, ठीक है। और भाई अभी हम अपना सेटअप चेंज करने जा रहे हैं, तो इसकी वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, से रोमांचक वीडियो आपके सामने आती रहेगी, ठीक है भाइयों।